हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी। जैसे कि आप देख ही रहे हो, पोटैटो फिंगर्स भी कह देते हैं इसे और पोटैटो स्नैक्स भी, फ्रेंच फ्राइज भी बोल देते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जो है रास्ते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी तरह के आलू लेकर उसके फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हो, कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए मैंने 500 ग्राम जो आलू लिए हैं उनको छील करके साफ कर लिया है, और उसके बाद हम इसको ऐसे काट लेंगे। कोई भी आलू आप यूज़ कर सकते हो, और उसे 30 मिनट्स आपको भिगोना है पानी में, और बाद में इसको ऐसे करके धो लेना है अपने हाथों से, अच्छी तरह से इसका स्टार्च निकाल लेना है। सिर्फ एक बार ऐसे धोकर भिगोकर इसको एक और पानी में निकाल लेंगे, और इसका जो पानी है वो निकाल देंगे अच्छी तरह से, मतलब धो लेना है इसको, पानी निकाल देना है और सुखवा लेना है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे मैदा, 2 चम्मच मैदा डालेंगे, और 2 चम्मच ही डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप इसमें अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हो, और चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। तो 1 चम्मच आधा चम्मच इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, आप चिली फ्लेक्स भी साथ में डाल सकते हो अगर है तो, और 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, कोई भी नमक डाल लो, अगर ब्लैक जो है सॉल्ट है वो भी डाल सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, होममेड है तो वो भी डाल लो, अगर आपके पास रेडीमेड है तो वो भी डाल सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका बैटर तैयार करेंगे। अलग अलग तरीके हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि कोई ऐसे जो बैटर बनाकर जो है के फिंगर्स बनाता है, पोटैटो फिंगर्स फ्रेंच फ्राइज भी बोलते हैं, कभी कभी ऐसे किसी के घर में ऐसे भी बनते हैं कोटिंग करके। तो हमें ये घोल तैयार करना है, बैटर तैयार करना है, थोड़ा सा पतला तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ये बैटर बनाना है। कई लोग जो हैं वो सूखे मैदे में ही इसको जो है पोटैटोज़ को सूखा मैदा लगाकर वैसे ही फ्राई कर लेते हैं, मगर जो हम पोटैटोज़ यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी तरह के हम पोटैटो यूज़ कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से बनाने के लिए। तो ऐसा हमने जो है का बैटर तैयार कर लिया। तो अब हम सूखे मैदे में उतना ही सूखा मैदा लिया है, और उतना ही हमने जो है कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसमें हम जो है आलू ऐसे करके फिंगर्स आटा लगा लेना है, मैदा लगा लेना है। तो एक बार हमने जो है पूरी प्लेट भर ली है, ऐसा मैदा लगा लिया है आलूओं को, पोटैटोज को, और अब हम इसे बैटर में जो है डिप करेंगे। आज की इस वीडियो की खासियत ये है कि हम कोई भी आलू यूज़ कर सकते हैं ऐसे, जो हम बैटर में डिप करके बनाएंगे पोटैटो फिंगर्स फ्रेंच फ्राइज। तो हम किसी भी तरह के आलू यूज़ कर सकते हैं इस तरह से पोटैटो फिंगर्स बनाने के लिए। ये नहीं है कि आप डायमंड आलू ही लें, बड़े आलू ही लें, या फिर रेड आलू लें कि उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है कम होता है, ये कोई झंझट नहीं है। आप किसी भी तरह के आलू यूज़ कर सकते हो ऐसे बैटर में जो डिप करके अगर आप फ्रेंच फ्राइज बनाना चाहते हो। तो ऐसे करके हम पूरे गर्म तेल में इसको डालना है बैटर में, ऐसे सिंपली डिप करके दोनों साइड से अच्छी तरह से गर्म गर्म तेल में इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, तरीका है ये फ्रेंच फ्राइज बनाने का, पोटैटो फिंगर्स बनाने का। फटाफट बन के तैयार होते हैं, कोई ये नहीं कि इसको धोना ज़्यादा टाइम है, इसको भिगोना ज़्यादा टाइम है। तो आप बहुत ही इजी सा मेथड हैगा ये, तो आप फटाफट बनाकर फ्रेंच फ्राइज तैयार कर सकते हो और अपने बच्चों को खिला सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। अगर चिली फ्लेक्स आप डालना चाहते हो तो उससे भी थोड़ा सा
अलग सा लुक आता है, लेकिन बच्चे जो है चिल्ली लाइक नहीं करते, तो इसमें मैंने चिल्ली फ्लेक्स नहीं डाले हैं, सीधा जो है लाल मिर्च पाउडर ही डाला है इसमें। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बने हैं, आपने आवाज़ देख ही ली होगी, तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, कोई झंझट की बात नहीं है, फटाफट बन के तैयार होते हैं। तो आप भी घर पे ऐसे फटाफट फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, आलू फिंगर्स बनाएं, पोटैटो फिंगर्स बनाएं, और किसी भी सॉस के साथ इसका आप मज़ा ले सकते हो। बारिश के मौसम में या सर्दियों के मौसम में भी आपका जब क्रिस्पी कुछ खाने का मन करे तो पोटैटो फिंगर्स ऐसे फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर खा सकते हो। पूरे मसालेदार हैं ये, बहुत ही टेस्टी बने हैं, कोई ये नहीं है कि ये अच्छे नहीं हैं, आलू भी पूरी तरह से पक चुके हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने हैं। तो आप किसी भी सॉस के साथ इसको इंजॉय कर सकते हो, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप हमारी रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को भी फॉलो करें। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।